जय जय
श्लोक नंबर 17 पढ़िए। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? हरि बोल। कुछ भी हो तो हरि बोल। एक्सीडेंट हुआ हरि बोल, ठीक हुआ हरि बोल, पेपर अच्छा नहीं गया हरि बोल, अच्छा नहीं गया हरि बोल, बिजनेस आगे बढ़ा हरि बोल, नहीं बढ़ा हरि बोल। हरे कृष्णा। ये अपने भगवान का है इधर का? दादा गिरधर जी का है? क्या बोल रहे हैं श्लोक में 17 नंबर का? जो सारे शरीर में व्याप्त है, कौन है व्याप्त? आत्मा व्याप्त है शरीर में, ठीक है, उसे तुम अविनाशी समझो। अविनाशी मतलब जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो अभी यहाँ से क्या होगा, श्लोक नंबर मैंने एक्चुअली ब्रेकअप नहीं दिया आपको आगे के लिए, या दिया मैंने ब्रेकअप? नहीं दिया, थोड़ा ही दिया था, एक से लेकर 30 तक का दिया है ना? हाँ। तो उसमें आ गया ना, अब तक आगे काम बढ़ा है, थोड़ा ही दिया था, थोड़ा मतलब क्या, मेरे आगे काम बढ़ा है, ठीक है। अभी यहाँ से आपको क्या मिलेंगे, शांति बनाए रखिए, श्लोक नंबर 17 से लेकर 25 तक आपको मिलेंगे आत्मा के विभिन्न प्रकार के गुण और लक्षण, ये आपको जानने को मिलेगा। मतलब ये इसके अंदर एक सब सेक्शन है, ऐसा समझ लीजिए। हमारा एक नंबर श्लोक से लेकर 30 नंबर श्लोक तक एक पहला सेक्शन है, राइट? उसके अंदर ये एक सब सेक्शन है, आपको जैसे डिवीजन बनाना बना सकते हैं। आपके आपको जो बुकलेट दिया गया था उसमें भी रहेगा शायद डिवीजन, अगर है तो। आत्मा के विविध प्रकार के लक्षण अभी यहाँ पे बताए जाएंगे कि आत्मा क्या है, आत्मा को कैसे देखा जा सकता है, भले दिखता नहीं हो लेकिन उसे समझा कैसे जा सकता है। पहला पैराग्राफ सबसे पहला, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा का, आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है, करेक्ट? तो सबसे पहला लक्षण क्या है आत्मा का? चेतना है, यहाँ पर चेतना, चेतना फेस्टिवल होता है माता जी के लिए, चेतना आपके इधर भी होता होगा ना, उत्कर्ष कुछ तो होता नहीं कौन सा संदेश, उपासना और उत्सव भी होता है। तो चेतना जो है ये आत्मा का प्रथम लक्षण है। किसी भी व्यक्ति को, मतलब वो अच्छा पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, लेकिन चेतना के माध्यम से बता सकता है कि इस शरीर में आत्मा मौजूद है। देखिए हमने प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, होता है कि नहीं? अभी आप जीवित है इसलिए अगर आपको कोई अगर ट्रेन में जब धक्का देता है
तो आपको क्या होता है, आपको धक्का लगता है कि मैंने धक्का क्यों दिया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप मतलब आप अभी भी जीवित हैं, चेतना में हैं, और अगर किसी ने ऐसा पिंच कर दिया तो आपको तुरंत वहां पे पेन फील होगा, होगा ना। और वही अगर हम मृत शरीर के साथ करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, मृत शरीर को कितना भी गाली दो, कितना भी पीटो मारो, कुछ फर्क नहीं होगा उसको। क्यों ऐसा? क्यों? मतलब क्या, आत्मा चला गया ना वहां से, छोड़ के दूसरी जगह चला गया आत्मा। तो सबसे पहला लक्षण है आत्मा का चेतना। चेतना के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इस शरीर में आत्मा मौजूद है और इस शरीर में आत्मा मौजूद नहीं है। जैसे कि ये माइक है, ये अचेतन है, अभी चेतन हुआ है क्योंकि इंसान ने उसमें शक्ति जोड़ दी है, वो भी अपने से चेतन नहीं है। जब हम इसमें कुछ शक्ति प्रविष्ट कर रहे हैं, जब मेरी शक्ति इसमें जा रही है, देखिए ये जो है इलेक्ट्रिक, यहाँ पे जो पावर है, यहाँ पे करंट आ रहा है, ये भी क्या है, अचेतन है। जब चेतन और अचेतन दोनों मिलके काम करें तभी वो साउंड बाहर निकल रहे हैं। तो कोई बोल सकता है माइक भी चेतन है, आवाज निकलता है उधर से, लेकिन आवाज देने वाला कौन है? चेतन, आत्मा है ना। यहाँ पर बैठा हुआ जीवित व्यक्ति है, वो आवाज दे रहे हैं। किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। ये बोलने का मतलब क्या है? देखो प्रभुपाद हमेशा बहुत जीने से प्रभुपाद चाहते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट को लेके कोई भी कुछ भी बोल देगा, इसलिए पहले क्लैरिफाई करते हैं कि ये जो आत्मा का चेतना है वो केवल किसके लिए सीमित है? केवल मेरे शरीर के, मेरा जो चेतना है मेरे शरीर के प्रति सीमित है। मेरे शरीर में कहाँ पे पेन हो रहा है, कहाँ पे प्लेजर हो रहा है, कहाँ पे दर्द हो रहा है, कहाँ पे कभी कभी अभी ऑफकोर्स मेरे तो बाल नहीं है, इसके बाल है, कभी कभी डैंड्रफ हो जाता है, राइट? होता है ना डैंड्रफ, या चूहे हो जाते हैं, होते हैं ना, नहीं होते क्या? तो हम लेक्चर में बैठे हैं, खुजलाहट होती है, तो अभी किसको क्या काट रहा है, कहाँ पे बैठ के, वो उस पर मालूम है, उसका शरीर में जो चेतना है वो सेंस कर रहा है उसको। मेरे पास मेरे शरीर में क्या हो रहा है वो आपको नहीं मालूम पड़ेगा, और आपके शरीर में क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं पड़ेगा, राइट? वैसे आप में यहाँ पर बैठे हुए कितने लोग कुछ अलग अलग विचार से बैठे होंगे, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ तो सोच रहे ना अभी। पता ये क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, तो आप बोल रहे थे कि कुछ कुछ सोच रहे हैं। तो हर व्यक्ति आपको ये तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ सोच रहे थे, लेकिन ऐसे कई लोग हमें यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम कुछ कुछ सोचते रहते हैं लेक्चर में बैठे, लेकिन हमारा माइंड क्लियर रहता है, राइट? तो वो आपको ही मालूम है, मुझे नहीं मालूम पड़ सकता। इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो चेतना है वो शरीर के नहीं, तो क्या करते हैं मायावादी लोग, बोलते हैं कि ये चेतना क्या है, सर्वव्यापी है, सब जगह मतलब फैली हुई है, और अल्टीमेटली बोलेंगे कि सब फिर एक ही है ना, आपका चेतना, मेरा चेतना, उसका चेतना, सबका एक ही है, तो हम सब एक हैं, लास्ट में जाके एक ही लाइट के अंदर बैठ जाएंगे उधर जाके। ऐसे लाइट है यहाँ पे, ब्रह्म ज्योति मतलब क्या है, भगवान के शरीर में निकलने वाली कांति है, तो उधर जाके बैठेंगे चुपचाप सब लोग निर्विशेष होके, इसलिए क्लैरिफाई कर रहे हैं हम पहले ही। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं होता, फलतः प्रत्येक शरीर में वेष्टि आत्मा है, और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण वेष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। कितना सटीक हिंदी है। तो सबसे पहला लक्षण क्या है आत्मा का? चेतना। चेतना को देख के आप हमेशा समझ सकते हैं कि आत्मा मौजूद है, भले आपको कुछ ज्ञान है नहीं है। और इसका इसका मेन प्रूफ क्या है कि चेतना से ही शरीर में आत्मा का मौजूद है, ये कैसे मालूम पड़ता है? क्योंकि समझो आपके पास एक डेड बॉडी है, ठीक है ना, क्या हुआ? आप में चेतना है, आप का एग्जांपल दे सकते हैं ना, जब हाँ, शरीर से अलग हो जाए उसमें चेतना नहीं रहती। यस यस यस, वही बताने जा रहा हूं। जैसे डेड बॉडी है और जीवित बॉडी है, दोनों में सेम रहता है केमिकल कंपोजिशन, सब में हार्ट है, दोनों में हार्ट है, लिवर है, लंग्स है, सब कुछ है, ब्रेन है, सब सब
एकदम निकटो, लेकिन एक में कुछ हलचल नहीं दिख रही है और एक में फुल हलचल है। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से, बराबर। और अगर ये आत्मा की वजह से नहीं होता, या फिर आत्मा ऐसा चीज होती जो हम बना सकते हैं, तो फिर आप मृत शरीर में बना सकते थे, क्योंकि मृत शरीर और जीवित शरीर दोनों में जो केमिकल कंपोजिशन है दोनों में सेम है, सिर्फ एक ही चीज का फर्क है कि आत्मा वहां नहीं है और यहाँ पे है। सही है कि नहीं? इसीलिए वैज्ञानिक लोग भी अगर इस पहले का आज तक आंसर नहीं दे पाया है कि वो चीज क्या है जो वहां से मिसिंग है, वो चीज क्या है जो वहां से मिसिंग है जिसकी वजह से वहां पे जीवन नहीं दिखाई देता है। क्योंकि सब अगर साइंटिस्ट के हिसाब से बोलेंगे, वैज्ञानिकों के हिसाब से, तो उनके हिसाब से सब केमिकल प्रोपोर्शन सेम है ना, सब रक्त कोशिकाएं हैं, रक्त भी है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ फैक्ट्री बंद पड़ गया क्योंकि मालिक फैक्ट्री छोड़ के चला गया, ताला मार के बोला फैक्ट्री पुराना हो गया, अभी नया फैक्ट्री चाहिए, बस वैसे। इसीलिए इस सिद्धांत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर कोई चैलेंज नहीं करे तो आप उसको पूछ सकते हैं कि बताओ कैसे है? मृत शरीर में और जीवित शरीर में सेम केमिकल कंपोजिशन है, लेकिन इसमें जीव है उसमें नहीं है, क्यों, क्या है वो चीज जो वहां से निकल गई है और उसको हम बना सकते हैं क्या अपने से? नहीं बना सकते। ये सिद्ध करता है कि आत्मा जो है, एक तो पहली चीज उसकी वजह से शरीर चलता है, दूसरी चीज आत्मा ऐसी चीज जिसको हम बना नहीं सकते, या फिर लोग ट्राई करते हैं ना, वो टेस्ट टू बेबी वगैरह अभी ट्राई कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग, लेकिन टेस्ट टू बेबी हो रहा है क्या? हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? हाँ, उसमें भी लिया जाता है ना स्पर्म्स और एक लिया जाता है ना कहीं से, तो वो स्पर्म कहाँ से आया? शुक्राणु कहाँ से आया? मतलब प्रोड्यूस करने वाला कौन है? जीवात्मा ही है ना, तभी तो जाके, अगर सही में उनके अंदर अगर दम है तो बिना जीवात्मा के सहयोग के बना के दिखाए तो समझ में आएगा कि होता है कि नहीं होता। हाँ प्रश्न तो आत्मा के साथ चेतना तुरंत चली जाती है कि कुछ देर तक रहती भी है? अच्छा, आत्मा के साथ चेतना तुरंत जाएगी या रुकेगी? क्यों रुकेगी भाई? जैसे आत्मा छोड़ेगा वैसे चली जाएगी चेतना। अच्छा, तो दूसरा प्रश्न मेरा ये है, कभी कभी देर केबीसी खेल रहे हैं काउंटर पेशेंट, हर प्रश्न के लिए फिर मैं आपको पैसा देना पड़ेगा। हमारे उधर मंदिर में वो वीटीए करके हमारा एक रहता है, वैष्णव ट्रेनिंग एकेडमी करके एक रहता है, जहाँ पे नए नए भक्तों को ट्रेनिंग दिया जाता है वैष्णव कल्चर में। तो उधर एक हमारे हमको एक सीनियर प्रोफेसर क्लास दिया करते थे, तो उसमें एक स्टूडेंट थे, मतलब हमारे बैच में हर क्लास में प्रश्न पूछते थे, फिक्स होता था उनका, ऐसे क्लास खत्म होने पाया प्रोफेसर को मैंने कहा बोलो अभी क्या प्रश्न है, वो ऐसा मुड़ते थे बोले क्या प्रश्न है, इधर प्रश्न पूछते थे प्रोफेसर ने बहुत देर बाद में कि अगली बार से हर प्रश्न का 500 रुपया। आपको मैं आपसे पैसा नहीं मांगूंगा, आप बोलिए। मामो मामो कोई बात नहीं, गुजराती है ना, जल्दी देंगे नहीं। कभी कभी देखा जाता है कि जैसे शिपकली रहती है तो उससे उसकी पूछ अलग हो जाती है, तो कई समय तक उस पे रहती है चेतना। किसमें? पूछ में की पूछ में सबका अनुभव है। इसका तो फिर आपको उत्तर ढूंढना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि कभी कभी देखा जाता है कि कोई वृक्ष रहता है जैसे पीपल का इत्यादि, तो उससे उसका कुछ डाली अलग कर दिया जाता है, लेकिन उस दिन के बाद वो जीवित रहता है और उसको डालने से फिर उग जाता है। वृक्ष का उत्तर मेरे पास है क्योंकि मैं बॉटनी पढ़ाई किया हूँ, तो इसका उत्तर देता हूँ मैं। हाँ, इस दोनों बात में थोड़ा मेरा चिपकली के बाजू में रखिए, पहले वृक्ष का, क्योंकि वृक्ष का मैंने पढ़ाई किया है। उसमें क्या होता है, ये जो आप पूछ रहे हैं ना प्रश्न, इसका उत्तर प्रभुपाद ने इसमें दिया है, वो है ना जीवन शक्ति का उपम जीवन करके पुस्तक है ना, उसमें देते हैं प्रभुपाद, क्योंकि उसमें भी यही प्रश्न पूछते हैं लोग। चिपकली का तो नहीं पूछा है, उसमें अर्थवाम का पूछा है ना, अर्थवाम मारे ना आपको क्या बोलते हैं उसमें, लकड़ी और उसके बताया अर्थवाम का क्या बोलते हैं, अर्थवाम जो बोलते किसानों का साथी, फार्मर्स फ्रेंड, तो उसके भी जब टुकड़े किए जाते हैं ना, दो टुकड़े, तो दोनों टुकड़े जीवित रहते हैं और आगे से बढ़ते हैं अपने, और पेड़ भी है
पेड़ का अगर कोई टहनी काट दे और लगाए तो नया झाड़ हो जाता है, बराबर। इसको बोलते हैं स्टेम प्रोपगेशन। गुलाब का अगर या जासमंद रहता है ना, उसका अगर स्टेम काट दे और लगा दे तो नया आ जाता है। तो इसका उत्तर रोपण देते हैं वहां पे कि जहां भी आत्मा को जीने के लिए फेवरेबल सिचुएशन मिलता है ना, वहां पे आत्मा शरण ले लेता है। तो वो जो आपने बोला ना, जो झाड़ काटते हैं और नया लग जाता है, उसमें नया आत्मा प्रवेश करता है और वहां पे नया झाड़ होता है। मतलब वो झाड़ तभी आगे बढ़ेगा जब नया आत्मा उसमें प्रवेश करता है। और ये बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। जिस तरह से अभी स्त्री और पुरुष का जो मिलन होकर जो नया जीव उत्पन्न होता है, तो जो शुक्राणु है और जो एग है जो स्त्री से निकलते हैं, एग और शुक्राणु, वो भी क्या है, वो भी तो एक निर्जीव वस्तु है ना, एक तरह से देखा जाए तो, समझ रहे ना, वो भी एक झाड़ का टहनी जैसा है ना। जब आत्मा उधर में आके प्रवेश लेता है उसमें और उसका ग्रहण लेता है, तभी वो जाके फलित होता है और उसमें से जीव निर्माण होता है। समझ गया प्रिंसिपल। तो उसका सिंपल आंसर है कि आत्मा जब देखता है कि यहाँ पे कोई फेवरेबल सिचुएशन है, उसके कर्म के हिसाब से डायरेक्शन मिलता है उसको, प्रकृति का जो सिस्टम है कि ये आत्मा अभी कहाँ जाएगा, पेड़ का योनि में जाएगा या पशु का योनि में जाएगा, कहाँ जाएगा, इस तरह से वो वहाँ जाकर प्रवेश कर देता है। तो वो टहनी आपका नया झाड़ बन गया। अदरवाइज इसके लिए आपके पास कोई आंसर है ही नहीं, क्योंकि ये साफ साफ बताया गया है कि बिना आत्मा के शरीर आगे नहीं बढ़ सकता। तो फिर इसके लिए तीसरा आंसर कोई है क्या, बताइए मुझे। दिस इज द मोस्ट लॉजिकल आंसर, अगर आपको आंसर लेना ही है तो। ये प्रॉपर देते भी है, लाइव कम फ्रॉम लाइव में बोली। बोली ने प्रियत भगवत महाराज यहाँ पे सेमिनार लिया था हरि नाम के ऊपर, उन्होंने किसी ने प्रश्न पूछा था कि शरीर से आत्मा चला जाएगा तो हमारे अंदर कॉन्शियस यानी चेतना रहती है कि नहीं। तो महाराज ने बताया था कि वो चेतना रहती है, आत्मा यानी शरीर से निकल जाने के बाद भी कॉन्शियसनेस यानी चेतना रहती है, और वो चेतना कॉन्शियसनेस जब रहती है वो टाइम पे हम जब सोचते क्या सोच रहे हैं वो हमको शरीर प्राप्त कर लेते हैं, मतलब उस ब्रीफ पीरियड के लिए ना। हाँ, लेकिन आत्मा यानी शरीर से निकल जाने के बाद चेतना रहती है शरीर में कॉन्शियसनेस, और ये साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है। आत्मा जब शरीर छोड़ता है तो तुरंत नहीं वहां से जाता है वो, इसलिए तो हम लोग अंतिम संस्कार कराते हैं ना उसका, इसलिए उसको जलाते हैं ना। अगर नहीं जलाते हैं तो क्या होता है, जब तक वो शरीर वहां पे दिख रहा है वो आत्मा उधर ही बैठा रहता है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा कपड़ा है, ये मेरा घर है। इसीलिए सनातन धर्म में शरीर को क्या करते हैं, दफनाते नहीं है। क्या करते हैं, नहीं तो क्या होगा, उसका आसक्ति बना रहेगा जब तक वो शरीर है, जब तक है, इसलिए जला के उसको खत्म कर देते हैं। उसका राख फिर पानी में, वो भी भाप पानी में भंडार के बहा देते हैं। अरे भाई खत्म हो गया, अभी शरीर जल गया, भस्मीभूत हो गया, वो तुम्हारा जो अस्थिया जो बह गई, अभी कुछ नहीं बचा, अभी अगले शरीर में चले जाओ, ये उसका इंडिकेशन। वो हमेशा के लिए रहता है, ठीक है, मतलब थोड़े समय के लिए, जब तक वो शरीर उसका छोड़ने का ही रहेगा। आपका अभी बोलिए, संतुष्टि हो गया आपको उनका कहना है कि पूछ बाजू में है और चिपकली जिंदा है उधर, दोनों में चेतना है। तो पूछ वाला पास में कम समय तक रहते हैं, उसमें चेतना है ही, मतलब उसका लास्ट इफेक्ट अभी मरने वाला है ऐसा, अपना हाथ कट जावे पूरा ऐसे। तो बाद में आधा घंटे एक घंटे के बाद भी अगर कोई टाइम रहता है वो टाइम पे अगर लगा दे वापस तो चिपकली, लगा देना अलग है और वो जिंदा रहना अलग है, मतलब उसमें चेतना है इसलिए वो ज्वाइंट हो जाता है। चेतना है नहीं, आप समझो आपने एक वायर तोड़ दिया, इलेक्ट्रिक वायर यहाँ से समझ लीजिए ना, अभी यहाँ पे एक बीच का मैंने टुकड़ा काट दिया और बाजू में रख दिया और वही टुकड़ा मैंने लाके ज्वाइंट किया तो चला गया ना वायर, चलता है ना। वो तो एक मेटेरियल प्रिंसिपल है, वो भौतिक तत्व है कि उसको उससे जोड़ दिया जाए तो करंट सप्लाई होगा। तो हाथ भी वैसे ही है, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट मतलब ना, तो हार्ट निकालने के बाद ऐसा नहीं कि समझो अगर मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला है, नहीं हो अगर होने वाला है
ठीक है ना, ज्यादा तेल खाया, ये सब खाया, कुछ गड़बड़ हो गई। तो अगर ये अगर हार्ट मेरे से निकाल दे, दूसरा अगर हार्ट मेरे को लाना है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये हार्ट से मैं निकल के चला जाऊंगा उधर, और जब दूसरा आएगा तो उसमें बैठ के आऊंगा। नहीं, वो उधर ही है, खाली क्या किया हमने, ऑर्गन रिप्लेस किया, उसको निकाल के दूसरा ला दिया। इसलिए देखिए, इसी तंत्र में आता है कि आत्मा कहाँ पे मौजूद है। आत्मा कहते हैं कि हम क्या बोलते हैं, आत्मा कहाँ पे है, हृदय में। हृदय में है मतलब एग्जैक्टली हृदय में नहीं है वो, हृदय के एरिया में है ये, इसका ये लोकेशन है, दिस इज द रीजन। अदरवाइज फिर आप बोलेंगे हार्ट ट्रांसप्लांट किया तो फिर शरीर छोड़ के जाना चाहिए था उसको दूसरे शरीर में, होता है ना हार्ट ट्रांसप्लांट, और दूसरे का आत्मा आना चाहिए इधर। लेकिन आप तो सेम रहते हैं ना व्यक्ति, हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद भी रहते हैं कि नहीं, चेंज तो नहीं होते। इसलिए वो उसका रीजन है, एरिया है, उस एरिया में रहता है वो आत्मा। ऐसा नहीं कि वो हार्ट के अंदर जगह बैठा हुआ है। ठीक है, आप बोलिए। वेष्टि का मतलब क्या होता है? वेष्टि का मैंने भी पूछा था लास्ट टाइम, किसी अकेला अलग 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 मैं चला अकेला है ना वो गाना, अकेला अकेला वेष्टि आत्मा। ओके, आगे बढ़े। अभी वो चिपकली का मुझे भी क्लियर नहीं है, वो क्या होता है वो, उसकी पूछ ऐसे भी आंसर दे सकते, जैसे फैन चालू है तो लाइट बंद किया, लास्ट इफेक्ट वो थोड़ी देर तो चलने ही वाला है, फिर जाके शांत हो जाते हैं। हां, जैसे गाड़ी चलाते हैं हम लोग तो एक्सीलेटर हां चलते हैं तो भी थोड़े टाइम हो गया संतुष्ट। आत्मा के साथ अगर चेतना चली जाती है, मेरा यह प्रश्न है, आत्मा के साथ अगर चेतना चली जाती है तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है, हरे कृष्ण। आगे बढ़े भाई, अभी उसके बाद सब में चेतना है मौजूद, लेकिन उसको ज्यादा हिम्मत कीजिए। अब उसके बाद प्रभुपाद यहाँ पे क्या करते हैं, आगे आत्मा का आकारमण बताते हैं कि उसका साइज क्या है। देखिए यहाँ पे दिए शताश्वत उपनिषद 5.9 इसकी पुष्टि होती है, बालागर शुद्ध भाग्य से शुद्धता कल्पित च भागो जीव से विज्ञेय च अनंत्याय कल्पते। कितना है, यदि बाल के अग्र भाग को, मतलब ये आपका बाल है, ठीक है, बाल है यहाँ पे मेरा भी, बाल की जो टिप है उसका पॉइंट, उसके कितने भाग करते हैं हमें, 100 भाग, और हर एक भाग का 100 भाग, तो उतना आक्रमण क्या है आत्मा का। लेकिन अभी देखिए इसमें ट्रिक क्या है, एक्चुअली आत्मा का उतना साइज है, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे, ये लिटरल नहीं है, मेटाफोरिकल है। आप समझते लिटरल और मेटाफोरिकल, लिटरल मतलब शब्दशा नहीं है, तुलना करने के लिए बताया है, क्योंकि हमारे लिए सबसे छोटा क्या रहेगा वही रहेगा ना, एकदम अकल्पनीय है इससे। और अब ये बोलेंगे बाल का 100 भाग किया टिप, पहले बाल का टिप दिखता नहीं ठीक से, उसका 100 पार्ट होता है क्या इसका, आप बोलेंगे, और 100 पार्ट हर एक पार्ट का और 100 पार्ट दिखेगा ही नहीं बोलेंगे यार, समझ में आ रहा है। लेकिन आप, लेकिन माइक्रोस्कोप से दिखता है, माइक्रोस्कोप से दिखता है, इसीलिए ये जो एक्सटेंशन है ये लिटरल नहीं है, मेटाफोरिकल है। मेटाफोरिकल मतलब तुलना करने के लिए बताया कि इतना बारीक है, समझे आप लोग। नहीं तो आप अगर किसी आगे जाके साइंटिस्ट को बोलेंगे आज के, तो बोलेंगे हम दिखा सकते हैं आपको, दिखाओ आत्मा किधर है, तो आप दुविधा में पड़ जाएंगे। चैतन्य चरण प्रभु जानते हैं आप, ये उनका एक्सप्लेनेशन है, उन्होंने दिया है, आप बोलेंगे आप कहाँ से लेके आए इसको, मतलब स्टैंडर्ड अथॉरिटी को कोट कर रहा हूँ मैं। इसका टाइम स्पैन बहुत कम है, जल्दी जल्दी बंद हो जाता है, इसका चेतना निकल जाता है तुरंत, इसको दीर्घकाल के लिए रखा जाए। कौन है यहाँ पे एक्सपर्ट कंप्यूटर वाला? अच्छा, आप तो निर्णय प्रो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आने को मुझे कर देना। और एक कोटेशन जो दिया है, केशाग्र शुद्ध भाग शताम सादृशात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूप संघायति तो ही चित्कण। आत्मा के परमाणु के अनंत कण है जो माप में बाल के अगले भाग यानी नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। ओके, अभी उसके बाद देखिए आगे वाले पैराग्राफ, उसमें प्रभुपाद क्या बोलते हैं,
इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण है। यह अत्यंत लघु आत्मस्फुल्लिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मस्फुल्लिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का, जैसे आपको इंजेक्शन दे जाते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंजेक्शन यहाँ पे देंगे आपको हाथ में और उसका इफेक्ट फैलेगा पूरे किसके माध्यम से, खून के माध्यम से। बस उसी तरह से आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा सारे शरीर में चेतन के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना के धने पर पृथक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस, यही तो सबसे बड़ा प्रमाण है आत्मा के सिद्धांत का कि आपके पास सेम बॉडी है, जीवित सेम मृत बॉडी है, दोनों में सेम केमिकल कंपोजिशन है, कुछ चेंज नहीं है। इसमें भी हार्ट है, लिवर है, किडनी है, ब्रेन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो जो एक एलिमेंट मिसिंग है वो हमारे एफर्ट से नहीं लाया जा सकता उसमें, इसीलिए साइंटिफिक लोगों की बोलते में भी बंद हो जाती है कि भाई गड़बड़ कहाँ पे, इसमें तो सब कुछ है और मैं और डाल सकता हूँ, और खून चाहिए और दे सकता हूँ, और अच्छा कपड़ा पहना उसको पहना सकता हूँ कुछ भी करूँ मैं, लेकिन वो जीवित नहीं हो सकता। यही तो साइंटिफिक मतलब व्यवस्था है वैज्ञानिक जगत की, वो समझ नहीं पाते कि है क्या। यह चेतना अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है अभी तो आत्मा के कारण है, मुंडक उपनिषद का उपदेशन दिया है। और फिर नीचे प्रॉपर तत्व में बताते कि पांच प्रकार के क्या रहते हैं, प्राण वायु है, प्राण अपान व्यान समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को पांच वायु के कर्मश से शुद्ध किया कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट हो जाता है। हठयोग का प्रयोजन मतलब जो बोलते कुंडली योग रहता है वो चक्र का ऊपर लेके आने का, सब वही प्रकार है। पांच प्रकार की हवाएं हैं शरीर के अंदर, प्राण अपान व्यान, अपान तो आपने सुना होगा नीचे से चलता है, प्राण अपने सांस के लिए करेक्ट, और बाकी एक है उसमें अलग अलग एक एक्सप्लेनेशन मैंने लिख के रखा था यहाँ पे, मतलब कौन सी कौन सा प्राण किसके लिए यूज किया जाता है, या आप कहीं गूगल में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ हर प्राण किसके लिए, मतलब ये कहते हैं पैरालिस्टिक मूवमेंट, मतलब जो हम खाते हैं उसको मूवमेंट करा के नीचे लेके जाने के लिए, एक आपको जंप ऐसा जंप करने के लिए आता है उसके लिए भी प्राण लगता है ना, आप जब जंप लेते हो तो क्या करते हैं आप, एक हवा प्रेशर से रिलीज होता है ना, तो ऐसे अलग अलग उन हवाओं का शरीर में महत्व है। उसके बाद देखिए लास्ट का पैराग्राफ, लास्ट मतलब नीचे जो लाल रक्त पेशिका है, अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञान इस अणु आत्मा के माप को माप सकने में असमर्थ है अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा ही नहीं है, क्योंकि देख ही नहीं सकते इसको, इसको मेजर कर ही नहीं सकते, तो वो लोग बोलते हैं कि आत्मा ही नहीं, लेकिन फिर ये भी नहीं बता सकते वो लोग कि फिर अगर शरीर पूर्त हो जाता तो उसमें से क्या निकल गया, वो क्या मिसिंग है वो भी नहीं बता सकते वो लोग। वेष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ हृदय में है और इसीलिए शारीरिक गति की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से निकलती है, राइट, जो हार्ट का पंपिंग है, हार्ट का जहाँ से ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आगे पीछे जाता है वो सब कार्य कहाँ से होता है, इस पार्ट से होता है। और देखिए प्रभुपाद क्या लॉजिक देते हैं, जो लाल रक्तकण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, कौन से लाल रक्तकण ऑक्सीजन क्या करते हैं वो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके जाते हैं, कहाँ पे लेके जाते हैं, फेफड़ों से, जरा बायोलॉजी बताइए सर्कुलेशन कैसे होता है हार्ट का, कैसे होता है हार्ट का सर्कुलेशन, अरे हाँ बायोलॉजी पढ़े हुए है ना दसवीं बारहवीं में, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में तो होता है रक्त पहुंचता है लंग में, कौन सा लंग में क्या होता है, हवा भरी जाती है ना ऑक्सीजनेटेड, राइट, और हार्ट में क्या होता है फिर ब्लड वहां पे आता है और वहां से क्या होता है पंपिंग होके कहां जाता है, देखिए एक तो है ऑक्सीजन मिक्स करने का संयंत्र,
ऑक्सीजन को मिक्स करके पूरे शरीर में फैलाया जाता है और सारे शरीर से वो रक्त वहाँ पे वापस लाया जाता है और उसमें क्योंकि रक्त लाल रक्त पेशियां जब जाती है शरीर में और ऑक्सीजन दे देती है तो क्या होता है ऑक्सीजन खत्म हो जाता है राइट। फिर वापस आके क्या करेंगे उसको भर के वापस। लेकिन प्रभुपाद तीसरा लॉजिक क्या देते हैं यहाँ पे देखिए, बोलते हैं कि जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से शक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि देखिए ये सिंपल लॉजिक है कि अगर समझो आपने एक मशीन भी बना दिया आपने एक कि चलो भाई साइंटिस्ट बोले कि हम एक मशीन बनाएंगे रोबोट जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन होगा, रक्त ऐसे आएगा जाएगा लेकिन फिर भी वो जीवित व्यक्ति जैसा काम नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वहां पे भले आपने सब सही सारी यंत्रणा बना दी है, फैक्ट्री बना दी है, एक जैसे मेरा शरीर में पूरा है सेम फैक्ट्री बना दी है वहां पे और यहाँ पे जीवित आदमी है। अभी मैं सोचूंगा कि मैंने तो पूरा बना दिया फैक्ट्री यहाँ पे लेकिन फिर भी आत्मा के ना होने की वजह से ये देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, जो लाल रक्त कण फेफड़े से ऑक्सीजन ले जाते हैं वही आत्मा से शक्ति प्रदान करते हैं। मतलब उनको जो अल्टीमेट शक्ति प्रदान करने वाला फाइनल जो सोर्स है वो कौन है? आत्मा। उसके अभाव में आप कितना भी संयंत्र रचना चलाइए वहां पर वो चलेगा नहीं। और आत्मा का मेन शक्ति क्या है? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, सोच विचार, इंटेलिजेंस, कॉग्निजेंस। वो आपको उसमें नहीं मिलेगा। किसमें? ठीक है आप बोलेंगे जब तक उसमें रोबोट में क्या रहेगा, इंटेलिजेंस रहेगा, कुछ सॉफ्टवेयर डाल दिया है। पहली बात तो डालने वाला कौन है सॉफ्टवेयर? आदमी है वो, मतलब जीवात्मा ही नहीं उसमें कुछ डाला इसलिए आ गया उसमें। सेकंड चीज आपने इंटेलिजेंस भी डाल दिया लेकिन उसमें इमोशन नहीं रहेगा। इमोशन रहेगा क्या? रहता है इमोशन रोबोट में? रोबोट बोलता है क्या अभी ठीक है आपके लिए अभी आज ये बनाते हैं ये आपको क्या चाहिए ऐसा पूछेगा क्या? हो पूछ भी सकते हैं लेकिन उसके अंदर वो जो मेन आत्मा का जो गुण है क्या? इमोशन, प्रेम करना और प्रेम लेना। ये जो चीज है वो किसी रोबोट में नहीं मिलेगा। तो इसलिए देखिए ये जो आत्मा यहाँ पे बोल रहे हैं लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वही आत्मा से शक्ति प्रदान, मतलब पूरे शरीर में ये सब जो थिंकिंग फीलिंग विलिंग जो पैटर्न है ब्रेन का, या हम बोलते हैं कि ब्रेन में ये सेंटर है इसका इमोशन का, ये दूसरा सेंटर है एंगर का, ये तीसरा सेंटर है हैप्पीनेस का, है ना, बहुत सारे पॉइंट बोलते हैं ब्रेन के अंदर ये पॉइंट ये कंट्रोल करता है। ये सब सारे फैक्टर आप नहीं बना सकते, भले आप एक कॉपी बना दें आदमी का लेकिन ये बनाना मुश्किल है क्योंकि ये सब गुण कहाँ से आते हैं? आत्मा से आते हैं। आत्मा नहीं रहेगा तो नहीं हो सकता आगे कुछ। औषधि विज्ञान देखिए इसलिए यहाँ पे आगे लिखते हैं, अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन बंद हो जाता है, होता है ना बंद हार्ट पंपिंग। इसकी वजह से नहीं होता कि वहां पे कुछ खराबी हो गई, इसकी वजह से होता है क्योंकि आत्मा निकल गया। कभी भी मरे हुए व्यक्ति का हार्ट अच्छा रहता है, कहते हैं ना तो उसके पैर में चोट आ गया लेकिन मूर्छा आ गया और छोड़ गया उसने शरीर, इतना पेन था कि वो सहन नहीं कर पाया। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को स्वीकार करता है किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति कहां से होती है? आत्मा से निकलती है। इसलिए देखिए प्रभुपाद यहाँ पे लास्ट के पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं कि अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह सारे शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता क्योंकि सारे एंगल से प्रूव होता है कि आत्मा की वजह से ये सब संयंत्र चल रहा है। आप भले विज्ञान की बात करें या वेदों की बात करें, वेदों से तो डायरेक्ट क्लियर है लेकिन विज्ञान की भी बात करें तो ये सब जो हमने एनालिसिस किया उससे मालूम पड़ता है कि बिना आत्मा के शरीर में कुछ हो नहीं सकता है। अब देखिए इसमें और एक चीज है, तीन चीजें मैंने यहाँ पे बताई है आपको अभी तक। एक तो स्थूल शरीर आपको पहले से मालूम है राइट, स्थूल शरीर, बीच में सूक्ष्म शरीर और तीसरा आत्मा। ये तीन चीजें हमने अभी देखी है यहाँ तक, आत्मा, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये तीनों में कैसा कोरिलेशन देखिए। क्योंकि देखिए जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतर करता है
तो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि आत्मा को कोई छू नहीं सकता है, आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता है। तो फिर यमदूत जब आते हैं आत्मा को इस शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाने के लिए या नरक लेके जाने के लिए, तो किसको लेके जाते हैं? क्योंकि आत्मा तो ऐसी चीज को कोई छू नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता, आत्मा इतना शक्तिशाली है, तो उसको तो फिर ये लोग किसको पकड़ते हैं? और सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं तो साथ में कौन पकड़ में आता है? देखिए उसमें देखिए क्या होता है, ये यहाँ पे आत्मा है, यहाँ पे सूक्ष्म शरीर है, करेक्ट, और इसके बाहर है स्थूल शरीर, ऐसे लाइन में खड़े स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर आत्मा। स्थूल शरीर किसके साथ जुड़ा हुआ है? सूक्ष्म के साथ, लेकिन स्थूल शरीर छूट गया अभी, ठीक है, मर गया, मतलब वो आत्मा ने बोला कि नहीं अभी यहाँ नहीं रहना, ये पुराना हो गया या इसका हड्डी टूट गया, पसली टूट गया, अभी नहीं रहना यहाँ पे, ये रहने लायक नहीं रहा अभी, घर नया घर चाहिए। लेकिन अभी भी ये जो सूक्ष्म शरीर है ये आत्मा के साथ क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है पूरा, ऐसे फेविकोल लगा था। क्यों? क्योंकि आत्मा अपने मन के साथ अभी भी क्या है? आसक्त है। यही तो है ना पूरा वैदिक फिलोसॉफी, जब तक आत्मा भौतिक इच्छाओं से आसक्त रहेगा, अभी इच्छा मतलब क्या, मन में है ना इच्छा, वो जो भौतिक इच्छा है इसके लिए उसका आत्मा और जो सूक्ष्म शरीर दोनों जुड़े रहते हैं। इसीलिए जब यमदूत आते पकड़ने के लिए, वो तो आत्मा को पकड़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आत्मा तो एकदम दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, परे है इस भौतिक जगत के, यमदूत है कोई भी है ये सब क्या है, आखिर इसी जगत के है ना, वो कैसे पकड़ सकते हैं आत्मा को? नहीं पकड़ सकते। तो फिर वो किसको पकड़ते हैं? सूक्ष्म शरीर को पकड़ के लेके जाते हैं। तो अभी सूक्ष्म शरीर को पकड़ा, उसको लेके जा रहे हैं, लेकिन आत्मा उसमें क्या हुआ है? चिपका हुआ है, अरे रुको रुको रुको। जैसे सब जो हम टीवी देख रहे हैं, राइट, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे हम टीवी देख रहे हैं, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे बैठा टीवी देख रहा हूँ, आपको अभी आजकल टीवी नहीं देखते, आजकल मोबाइल देखते हैं, तो अगर समझो मैं देख रहा हूँ टीवी देख रहा हूँ, एकदम बड़ा कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है या कुछ बड़ा जबरदस्त मूवी चल रहा है एकदम एक्शन वाला, तो समझो मम्मी आती है घर पे, बेटा चलो अभी स्कूल जाने का टाइम हो गया, मम्मी क्या करती है, इसको कितना भी आवाज़ तो बेटा उठ नहीं रहा वहाँ से, तो मम्मी क्या करती है टीवी को उठाती है, टीवी को उठाती है, और ऐसा लगे जैसे टीवी घूमता है बच्चा भी घूमता है, अगर टीवी पीछे चला गया उसके पीछे पीछे जाता है, क्यों? क्योंकि देखने में इतना व्यस्त हो गया है वो, इतना आसक्त हो गया है कि वो छूट ही नहीं जाता उससे, जहाँ टीवी जाएगा वहाँ चला जाएगा, उदाहरण समझ रहे हैं ना आप लोग, समझ रहे हैं, ठीक है, मोबाइल का उदाहरण ले लीजिए, चलते समझ में आएगा, मोबाइल देख रहे देख रहे, अभी गाड़ी आया कुछ आया नहीं, चलते जा रहे चलते जा रहे, अभी आपको मालूम है गाड़ी आया है तो अभी गाड़ी में चढ़ना चाहिए, मोबाइल को जेब में रख के, लेकिन फिर भी अभी हम आते हुए रिक्शा रुकने वाला था, रिक्शा और मोबाइल एक साइकिल, अभी देखा साइकिल पे आया था वो आदमी, बात कर रहा था सामने से रिक्शा आ रहा है, कुछ नहीं, साइकिल एक तरह से जा रहा है और रिक्शा आ रही है और जस्ट ठोकने वाली थी उसको, लेकिन अपना बात करते जा रहा है, क्यों? उसको मालूम नहीं है कि अभी आगे जाऊंगा तो एक्सीडेंट होगा, क्योंकि उसका आत्मा किस तरफ लगा हुआ है? बात करने में लगा हुआ है। तो बस वैसे ही आत्मा जो है, जब शरीर स्थूल सूक्ष्म शरीर से आसक्त हो जाता है तो उसके लिए क्या होता है, उसका कर्म बंधन का कारण बन जाता है, इसके लिए आत्मा को जन्म जन्मांतर क्या करना होता है, शरीर नया धारण करना पड़ता है, क्योंकि वो मन के साथ आसक्त हो गया है। और अभी तीसरा चौथा जो चीज है यहाँ पे प्राण, प्राणवायु, ये कहाँ पे रहता है? देखिए यहाँ पे आत्मा है, यहाँ पे सूक्ष्म शरीर है, और तीसरा यहाँ पे क्या है? स्थूल शरीर, ऐसे तीन चीजें हैं, और ये तुम्हारा आत्मा और सूक्ष्म शरीर जो है ना, उन दोनों को जोड़ने वाला है प्राण, समझ रहे हैं? प्राणवायु पांच प्रकार के, प्राणवायु भी एक रहता है, ऑक्सीजन एक प्राणवायु है, लेकिन ऐसे पांच टोटल वायु है, खाली हम जो बोलते हैं ना प्राणवायु, वो ऑक्सीजन केवल प्राणवायु नहीं है, ऐसे पांच प्रकार के वायु हमने अभी यहाँ पे पढ़े, समान अपान उदान भूख, तो इसका ऐसा एनालिसिस, सूक्ष्म आत्मा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर,
और आत्मा और सूक्ष्म शरीर को जोड़ने वाला कौन है? इसीलिए प्राण भी साथ में जाता है जब जीवात्मा देहांतर करता है। परमात्मा भी साथ में, परमात्मा तो हमेशा साथ में जाता है, साथ में जाने का सवाल नहीं है उसका। परमात्मा किसी भी शरीर में जब जीवात्मा शरीर धारण करता है तो वहां पे आके उनके साथ रहता है, उसके साथ क्यों जाएगा परमात्मा? हमेशा साथ में रहता है। हमेशा वैसे तो भगवान हमेशा हमारे साथ में है, हम भगवान के अंदर ही बैठे हुए हैं एक तरह से देखा जाए। ये सृष्टि जो है ये क्या है, भगवान का अगर आप विश्व रूप देखेंगे विराट रूप, उनके शरीर में बैठे हुए हैं सारे, सब कुछ वही है, उनके अलावा कुछ है नहीं। और वो क्या है, अपने विस्तारित रूप में भी है और पर्सनल रूप में भी है एज परमात्मा। ज्यादा टेक्निकल हो रहेगा आप लोगों, बोलेंगे टेक्निकल, पूरा इंजीनियरिंग क्लास चालू हो गया है मैथमेटिक्स। लेकिन ये सेक्शन थोड़ा ऐसा है, लेकिन आप समझेंगे तो आपको आनंद आएगा। ये सब पूरा इसका विश्लेषण है। ये सूक्ष्म शरीर जो है मन बुद्धि अहंकार से रहता है ना, तो अगर आत्मा की आसक्ति है वो मन में रहता है, जब तक आसक्ति है तब तक सूक्ष्म शरीर उसको मिलता है। जिस जीव की आसक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो उसको आत्मा सूक्ष्म शरीर से छोड़ देता है, तो उसका शरीर सॉरी मन यहीं पर रहेगा भौतिक। सी बेसिकली मन बोले तो क्या है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एक उपाधि आपने बना के रखी है, उपाधि आप छोड़ देंगे यहीं पर। और ये तीन एलिमेंट है, ये मन बुद्धि अहंकार जो आप बोलते हैं, मैंने पिछली बार बताया था आपको, भागवत में तीनों को एक्चुअली एक ही कंपोनेंट है वो, लेकिन उसका फंक्शनिंग के हिसाब से तीन बनाया है, उसका डिवीजन किया है। लेकिन अगर आपको सिंपल भाषा में समझना है तो सूक्ष्म शरीर एक है, जो आप तो कुछ फंक्शन के लिए मन बोलेंगे, कुछ फंक्शन के लिए उसको फॉल्स ईगो बोलेंगे, कुछ फंक्शन के लिए बोलेंगे उसको इंटेलिजेंस, ऐसा कैटेगरी भी कर सकते हैं, एक ही बोल सकते हैं। वो जो आत्मा अकेला बच गया है वो कैसे जाता है, जो बोलते हैं ना कि विमान आता है उसमें बैठ जाता है, अपने स्वरूप में जाता है। अभी जब जीवात्मा दुनिया में आया है तो बीज रूप में आया है, बीज रूप सीड फॉर्म में आया है, लेकिन जब उसका आध्यात्मिक जगत में जाने का समय आएगा तो उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, समझ रहे ना? अभी आपने ध्रुव मानव शिक्षण देखा है, अजय मिलकर देखा है, उसमें क्या हुआ था उनको, उनका जो भौतिक शरीर चेंज होकर क्या हुआ था, देव में आध्यात्मिक शरीर मिला था ना उनको चतुर्भुज रूप, और उसमें चले गए थे वो। और बोलिए किसी का कुछ प्रश्न? प्राण और आत्मा दोनों अलग-अलग चीजें हैं। अलग-अलग चीजें हैं। प्राण तो प्राण वायु है ना, पांच प्रकार के। देखिए आत्मा, हाँ अभी वो हिंदी में प्राण अगर बोलेंगे, प्राण गया उसका, मतलब उसका जीवन चला गया, खत्म हो गया, तो मतलब मृत हो गया वो, मतलब आत्मा ने नए शरीर में स्थानांतर किया। चलिए फटाफट एक प्रश्न और फिर आगे बढ़ते हैं। एक ही प्रश्न, जबरदस्त तगड़े तो उनको कहां से मिलते हैं? देखिए ये बहुत गहरा विज्ञान है, एक तो एक स्थूल विज्ञान है, एक सटल साइंस है सूक्ष्म विज्ञान। सूक्ष्म विज्ञान के स्तर पर कई चीज़ें ऐसी होती है जो मतलब आध्यात्मिक या फिर बोलिए आप थोड़े इस दुनिया के हायर लेवल के शक्तियों से संचालित रहती है। अभी ये सब जो जादू टोना करते हैं सब क्या है, मंत्र के द्वारा करते हैं ना, अल्टीमेटली शक्ति हम सबको भगवान से आती है। लेकिन ऐसे भी उदाहरण देखे गए हैं जो खाना नहीं खाते, कितने सारे योगी हैं, वो भी तो है, वो तो अभी रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी ये सब गोस्वामी के बारे में डेढ़ घंटा सोचते थे, कितना डेढ़ घंटा, और रघुनाथ दास गोस्वामी क्या खाते थे, इतना थोड़ा सा छाछ, वो भी दो चार दिन में एक बार, राइट, थोड़ा सा।
और ऐसे कई लीला है जब वो एक बार ध्यान में थे तो उन्होंने ध्यान में भगवान का कुछ सेवा कर रहे थे और खीर खा लिया था, तो उनको डायरिया हुआ इधर मतलब सपने में, मतलब अपने ध्यान में भगवान का महाप्रसाद खाया खीर और डायरिया इनको इधर हो रहा है। ये एकदम अजीब साइंस है। ओके आगे बढ़े अभी, हरे कृष्ण। अभी देखिए आगे वाला श्लोक हरे कृष्णा। अविनाशी अप्रेम अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे वरदवंशी युद्ध करो। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यही तक्षक नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी, यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने का कोई संभावना नहीं है, किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकते, मारना तो दूर। ये सब अर्जुन को भी बताएंगे, तुम किसकी बात कर रहे हो? भीष्म द्रोण उनको मारने की, उनको कैसे मारोगे तुम? आत्मा तो कभी मर नहीं सकता और मार भी नहीं सकते। और लास्ट में देखिए पैराग्राफ का, इधर भी देख सकते हैं, इधर थोड़ा अच्छा दिखेगा आपको। देखिए ये जो पैराग्राफ सेकंड यहाँ पे लिख दिया है, किधर गया? और नीचे जिस प्रकार आए यहाँ पे जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे आत्मा इस भौतिक शरीर से निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है, अतः कंक्लूजन क्या है? आत्मा शरीर का पोषण। सीधे सीधे प्रमाण दे रहे प्रभुपाद। आगे बढ़ देखिए 19वां श्लोक। येनम वेति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभयतः जरातीतो नायं भन्ति न मन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। करेक्ट। लेकिन प्रभुपाद देखो कि इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी जीव के शरीर के अनादि कर हत्या करना निंद है। यानी कि आप बोलेंगे यार आत्मा तो मरता भी नहीं, मार भी सकते तो मारो सबको, ऐसा अर्थ नहीं होता उसका। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं कि किसी भी जीव के शरीर के अनादि कर हत्या निंद है और राज्य भगवद गीता के विधान द्वारा दंडनीय है, किंतु अर्जुन को धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी के पागलपन वश नहीं। तो गीता का कुछ भी एप्लीकेशन ला सकते हैं आप। गीता बोलती है मरता नहीं है, मारता भी नहीं है, तो ना मैंने मारा ना वो मरा। अगर कोई मर्डर करेगा बोलेगा ना मैंने मर्डर किया ना वो, इसका मर्डर हुआ। कोर्ट पे प्रोड्यूस करेगा, गीता बतलाती है, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह जन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो यहाँ पे तीन चार चीजें हैं, जैसे कि न जायते, न जायते मतलब क्या है? इसको
बिगिनिंग नहीं है और एंड भी नहीं है ना, इसको शुरुआत है ना, क्या है अंत है। और अजो मतलब क्या, अजो पढ़िए ना वहां पे क्या दिया, अजो का अजन्म, उसको कभी जन्म नहीं होता है। जन्म किसका होता है, जो मरता है उसका जन्म होता है, जो कभी मरेगा नहीं उसका जन्म कैसे होगा। मरने वाला कौन है, ये मेटेरियल बॉडी मरने वाला है, इसलिए इसका आज बर्थ हुआ है कल डेथ होने वाला है। लेकिन आत्मा का न बर्थ है न डेथ है, क्योंकि कभी मरता नहीं है, अजन्म रहेगा। और आत्मा का विश्लेषण करके थक गए, इस शरीर को थोड़ा सा आराम दो भाई। अभी मैं जीवित हूँ, इस शरीर में हूँ। और देखिए, और दूसरी चीज यहाँ पे जो दी गई है, नायम भूतवा भवित्वा न भूय, न भूतकाल में था न भविष्य में, वर्तमान में है, वरना भविष्य में क्या होगा, रहेगा, रहेगा मतलब the soul has not come into being, will not come into being and does not come into being, ना आता है वो, ना आया था, ना आ रहा है, ना आएगा। आप बोलेंगे फिर क्या है, अभी क्या है, आत्मा आया ना इधर भौतिक जगत में। और दूसरी चीज आप बोलेंगे आत्मा का जन्म नहीं होता है, तो फिर आत्मा मतलब पैदा कहाँ हो, कब हुआ, कहाँ से आया। तो ये एक्चुअली जो अंडरस्टैंडिंग है, ये क्या है, बेसिकली आत्मा कहाँ रहता है, वहां रहता है जहां पे टाइम नहीं है। आत्मा कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, अरे आध्यात्मिक जगत में रहता है ना आत्मा। अभी हम लोग यहाँ पे, लेकिन हमारा सनातन घर कहाँ पे, वहां पे टाइम फैक्टर नहीं रहता है, और यहाँ पे टाइम फैक्टर रहता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है ना, सारी चीजें हम टाइम से कंट्रोल करते हैं, अभी आया था, अभी है, अभी चला जाएगा। तो टाइम फ्रेम में रह के जो बिना टाइम फ्रेम वाला जगह है उसको हम समझ नहीं सकते, क्या है ये, समझ रहे ना। इसलिए कभी कभी लोग समझ में नहीं आ रहा है, समझेगा नहीं आपको, क्योंकि क्या है, वो टाइम फ्रेम के बाहर है ना, टाइम और स्पेस डायमेंशन के बाहर है। आप समझो पानी के अंदर रहने वाली मछली है, सोचिए अरे बाहर आदमी लोग कैसे रहते बिना पानी के, कैसे संभव है बिना पानी के रहना। हम तो देख रहे हैं कि ये मछली, ये मछला जो भी बड़े बड़े हैं सब पानी के अंदर रहते हैं, बिना पानी के हम जी नहीं सकते, ये लोग कैसे बिना पानी के जीते हैं, समझ पाएगी मछली कभी, कितना भी अपना आकलन शक्ति लगाए समझ पाएगी क्या, नहीं समझ पाएगी ना। वैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं मछली बिना हवा के, मतलब ऑक्सीजन कैसे लेती है मछली, हवा में होना चाहिए, पानी के अंदर कैसे लेती है, लेकिन उसके लिए भी एक मैकेनिज्म है, हमारे लिए एक मैकेनिज्म है। इसलिए कुछ कुछ चीजें एकदम बाउंसर जाएगा आपको, समझेगा नहीं कि अरे बोल रहे पैदा नहीं होता, तो कभी तो पैदा हुआ होगा। अब कभी तो, ये कभी तो पैदा हुआ होगा, ये हमारी सोच, क्योंकि हम टाइम फ्रेम में रहते हैं जहाँ पे हर चीज पैदा होती है और हो जाती है, लेकिन वो टाइम फ्रेम ऐसा है जहाँ पे कुछ पैदा ना हुआ है, ना होगा, ना कभी हुआ था। सब वहां क्या है, सनातन काल के लिए रहता है, एवर एग्जिस्टिंग इटरनली। इसको और ज्यादा समझना है आपको, तो फिर आपको एक्स्ट्रा जप करना पड़ेगा, अपने आप को शुद्ध कराना पड़ेगा। हो सकता है उसके बाद भी आपको ना समझे, लेकिन इतना समझेगा कि भाई मेरा घर वो है, वहां जाके रहना है, मेरे को यहाँ नहीं रहना है। आप प्रभु जी, हाँ, के ऊपर एक संदेह है, श्लोक संख्या 7 में, 7 में इतना पीछे, लास्ट टाइम का क्वेश्चन अभी रिवाइज कर देंगे। बोलिए क्या बोल रहे हैं कि जो तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की संगत है। तो मनुष्य रूप और अजन्मा कृष्ण, और यहाँ आत्मा अजन्मा, एक मेरो लाइन दिखाई मुझे कहाँ पे, तो 2.7 का लास्ट क्वेश्चन पूछा था, प्रश्न शांति बनाए रखिए, होगा सिलेबस आगे बढ़ेगा, डोंट वरी। 2.7 में लास्ट, हाँ वही ना, सबसे बड़ा मूर्ख वो वाला ना, ये राधा कृष्ण की कमेंट्री है, राधा कृष्ण इज अ मायावादी फिलोसोफर।